हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं इलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, अपने लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम हीरोइक कपलेट को डिस्कस करेंगे एंड हियर कम्स आवर शॉर्ट नोट ऑन हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट इज अ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ पोइट्री। इट इज अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कपलेट दैट डिस्कसेस हीरोइक थीम्स एंड दैट यूजुअली यूजेस आयम्बिक पेंटामीटर। An ordinary couplet, on the other hand, is simply two successive lines of poetry, often two lines that rhyme and that employ the same meter. So the rhyme scheme of a couplet is AA. So here is the example of an ordinary couplet. If this be error and upon me proved, I never writ nor no man ever loved. Shakespeare's sonnet 116. ट्रू लव। हीरोइक कॉपलेट पोइट्री का एक ट्रेडिशनल फॉर्म यानी कि पारंपरिक रूप है दोस्तों। यह एक विशेष प्रकार का कॉपलेट यानी कि दोहा होता है जो कि हीरोइक थीम्स को डिस्कस करता है और जिसमें ज्यादातर आयम्बिक पेंटामीटर का ही प्रयोग होता है। दूसरी तरफ एक ऑर्डिनरी कॉपलेट पोइट्री की टू सक्सेसिव लाइन से मिलकर बनता है जो आपस में राइम बनाती हैं और सेम मीटर को फॉलो करती हैं। इस प्रकार कपलेट की राइम स्कीम हो जाती है AA। कपलेट का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल हमें शेक्सपियर की सोनेट ट्रू लव में देखने को मिलता है। इस दोहे से पहले आने वाली थ्री क्वार्टरेंस में शेक्सपियर ट्रू लव को डिफाइन करते हुए कहता है कि ट्रू लव वो नहीं होता जो समय और परिस्थिति के साथ बदल जाए, बल्कि ट्रू लव तो वो एवर फिक्स्ड मार्क है जो कि तूफानों में भी एक समान बना रहता है और ये उस पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारे के समान है जो कि लोगों को रास्ता दिखाने का काम करता है। और फिर कवि कहता है कि टाइम अपना नष्ट करने वाला प्रभाव हर चीज पर बनाता है, हर चीज समय के साथ साथ खराब होती चली जाती है। लेकिन ट्रू लव वो चीज है दोस्तों जो कि टाइम के इस रेवेजिंग इफेक्ट से भी बच जाए। और ट्रू लव छोटे छोटे समयों में नहीं बदलता है, ये तो डे ऑफ डूम यानी कि कयामत के दिन तक चलता है। अपनी प्रीसीडिंग लाइंस में ये सारी बातें बोलने के बाद शेक्सपियर इस कॉपलेट पर आते हैं और यहां पर वो कहते हैं, अगर मेरी ये सारी बातें गलत हैं और कोई मेरी गलत बात को मुझ पर सिद्ध करके दिखा दे तो मैं कभी नहीं लिखूंगा और ये सोचूंगा कि इस पृथ्वी पर किसी ने प्रेम किया ही नहीं। इन अ हीरोइक कपलेट द मीटर एंड द राइम स्कीम आर द सेम एज यूज्ड इन द कपलेट बट द थीम इट डिस्कसेस इज हीरोइक। एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक कपलेट ब्यूटीज इन वेन देयर प्रिटी आईज मे रोल चार्म्स स्ट्राइक द साइट बट मेरिट विंस द सोल। एलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉक। हीरोइक कपलेट में मीटर और राइम स्कीम ठीक वैसी ही होती हैं दोस्तों जैसे कि ऑर्डिनरी कपलेट में। बस फर्क इतना होता है कि हीरोइक कपलेट में जो थीम डिस्कस होती है वो हीरोइक होती है। हीरोइक कपलेट का बहुत अच्छा उदाहरण हमें एलेक्जेंडर पोप के लिखे द रेप ऑफ द लॉक में देखने को मिलता है, जिसमें वो लिखते हैं, सुंदर स्त्रियां चाहे अपनी प्यारी प्यारी आंखों को कितना ही मटका लें दोस्तों वो बेकार ही जाता है। चार्म्स, आउटर क्वालिटीज और बाहरी आकर्षण ध्यान जरूर खींच सकता है दोस्तों, लेकिन दिल को जीतने का काम तो मेरिट या फिर इनर क्वालिटीज ही करती हैं दोस्तों। जेफरी चौसर द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री पायनियर्ड द हीरोइक कपलेट इन इंग्लिश लिटरेचर। Chaucer made its use in the legend of good women and prologue to the Canterbury Tales. Here are some lines from his prologue to the Canterbury Tales. She was a worthy woman all her life, husbands at church though she had five, without other company in youth, but thereof needn't not to speak as now thee. यहां पर चौसर हमें वाइफ ऑफ बाथ के बारे में बताता है। बाथ यहां पर किसी आदमी का नहीं बल्कि जगह का नाम है। उस बाथ नाम की जगह में रहने वाली स्त्री
यानी कि वाइफ ऑफ बाथ के बारे में चौसर कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी भर एक वर्दी वुमेन यानी कि योग्य महिला बनी रही और चर्च के दरवाजे पर शादी करने के लिए वो 5 बार खड़ी हुई, अर्थात उसके 5 हस्बैंड थे। इसके अलावा युवावस्था में उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स भी रहे थे, लेकिन यहां पर उनके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। अलेक्जेंडर पोप इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट मास्टर ऑफ हीरोइक कपलेट्स। हिज हिलेरियस मोक एपिक द रेप ऑफ द लॉक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली साइटेड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस फॉर्म। ड्राइडन्स ट्रांसलेशन वर्क ऑफ वर्जिल्स एनीड, एप्सिलम एंड एक्टिफल एंड मैकफ्लेक्नॉय आर ऑल्सो सम रिनोन्ड एग्जाम्पल्स ऑफ हीरोइक कपलेट। सैमुअल जॉनसन्स वेनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस इज ऑल्सो अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म। अलेक्जेंडर पोप को हीरोइक कपलेट का सबसे बड़ा मास्टर माना जाता है दोस्तों, और उनका लिखा हुआ खूब हंसाने वाला रेप ऑफ द लॉक हीरोइक कपलेट के मोस्ट साइटेड एग्जाम्पल्स में से एक है दोस्तों। जब भी हीरोइक कपलेट नाम आता है तो सबसे पहले अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लॉक दिमाग में आता है। ऐसे ही ड्राइडन का ट्रांसलेशन वर्क वर्जिल्स एनीड, एप्सिलम एंड एकिटोफल और मैकफ्लेक्नॉय भी हीरोइक कपलेट के जाने पहचाने एग्जाम्पल हैं। और सैमुअल जॉनसन का वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस भी पोइट्री की इस फॉर्म का अच्छा उदाहरण है दोस्तों। विद दिस आई वाइंड अप टुडेज क्लास फ्रेंड्स, विल बी मीटिंग वेरी सून विद अ न्यू लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।